नोएडा से कालिंदी कुंज का एक रास्ता आखिरकार खोल दिया गया है। तो नोएडा की तरफ से पुलिस ने बैरिकेडिंग को हटा दिया है। महामाया फ्लाईओवर से कालिंदी कुंज का एक रास्ता खोला गया है, जहां शाहीन बाग के प्रदर्शन के चलते रास्ता बंद किया गया था। तो प्रदर्शन के चलते 69 दिन से ये रास्ता बंद था। 15 दिसंबर से ये रास्ता बंद किया गया था, लेकिन आखिरकार फिलहाल लोगों को राहत देते हुए यहाँ पर आपको बता दें कि इस रास्ते को खोल दिया गया है। तो 69 दिन से शाहीनबाग में सीए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। और इस बीच कालिंदी कुंज से फरीदाबाद और जैतपुर की तरफ जाने वाला रास्ता जो कि ब्लॉक किया गया था, लेकिन अब यूपी पुलिस ने वहां से बैरिकेडिंग को हटा दिया है, यानी कि ये रास्ता अब लोगों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ ऐसे रास्ते हैं जो शाहीनबाग की ओर जाते हैं, उनको नहीं खोला गया है। तो कोशिश है कि सभी रास्ते जो इस प्रदर्शन के चलते बंद किए गए हैं उनको खोला जाए। वार्ताकारों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त किया गया है, जो लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत कर लिया जाए। और अपर्णा से बात कर लेते हैं। अपर्णा हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहाँ पर जुड़ गए हैं। अपर्णा, एक रास्ता तो खोल दिया गया, क्या इससे लोगों की जो मुश्किलें हैं वो कम हो पाई हैं? जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले आपको बता दें, जो बाइक सवारों के लिए तो ये रोड हमेशा से ही खुला हुआ था। जो दिल्ली से नोएडा से दिल्ली जाने वालों के लिए बाइक सवारों का रास्ता खुला हुआ था, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। जो कार वाले थे उनको लगातार तकलीफ झेलनी पड़ी थी। आज 69, आज अगर देखा जाए तो 69वां दिन है, तो आज रोड खोला गया है, जिससे कि नोएडा से फरीदाबाद जाने वालों के लिए बहुत ज्यादा रास्ता आसान हो गया है जाने के लिए। साथ ही आपको बता दें, जो सत्ता विहार का रास्ता अभी भी बंद रखा गया है। सत्ता विहार अगर जाने के लिए जिसको भी अगर उपयोग करना होगा रास्ता, तो उसके लिए डीएनडी अभी सिर्फ ऑप्शन है। बाकी कालिंदी कुंज जाने के लिए, सिर्फ फरीदाबाद जाने के लिए ये रूट पे जा सकते हैं आप। वो मैं आपको बता देती हूँ, ये मीठापुर और खादर के रूट से जा सकते हैं फरीदाबाद। जी, लेकिन अपर्णा, अभी जिस तरह से आज ही कहीं ना कहीं ये राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्या कुछ वहां पर स्थिति अभी भी वैसे तनाव की बनी हुई है? क्योंकि कुछ ऐसे रास्ते जो शाहीनबाग को जोड़ते हैं वो बंद हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि उनको भी जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा, प्रदर्शनकारियों से जिस तरह से बातचीत जारी है, लेकिन क्या स्थिति अभी सामान्य है वहां पर? या स्थिति तो बिल्कुल पूरी तरीके से सामान्य देखी जा सकती है। अभी मैं वहीं पर मौजूद हूँ, कालिंदी कुंज, जो महामाया से कालिंदी कुंज के लिए जो जाता है रूट, वहीं पर मौजूद हूँ। स्थिति यहाँ पर सामान्य है। लगातार जो पुलिस ने बैरिकेड खोला हुआ है, वहाँ पर कारें आराम से निकल रही हैं, आसानी से निकल रही हैं। कोई अभी तक ऐसी घटना सामने नहीं आई है। जो भी स्थिति बनेगी वो आपको आगे की तरफ जानकारी दी जाएगी। चलिए, धन्यवाद आपका पढ़ना हमारे साथ जुड़ने के लिए।